शादी के पहले से पकड़ा है इसको या शादी के बाद? कितने दिन पहले? नहीं नहीं, इसको तुमको पकड़े कितना साल हुआ? एक साल लगभग नहीं हुआ है, अभी 10 महीना 11 महीना हुआ है। इसको क्या बनाया, बहन या बीबी? बीबी बनाया। इसको तकलीफ क्या क्या दिया इसको? पेट दर्द और सिर दर्द। पट्टी खोल दो, होता है पेट दर्द और सर दर्द होता है, बीबी तुम्हारी बोलती है। कितना दिन हुआ शादी को? 17 दिन। ये भूत प्रेत हाजिर हो गया, ये बोलता है हम इससे को अलग भी कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी इसको बीबी बना के रखा, ऐसा ये बोल रहा है। पेट में दर्द सर में दर्द होता है। कितना पढ़े लिखे हो? 10। और ये कितना पढ़ी है? 12। नर्स की कोर्स कर रही है, ठीक है। और तुम भूतों से डायरेक्ट बात करो, कैसे मरा, क्या पहना है, बात करो डायरेक्ट, जल्दी बात करो। कौन है, नाम बता। नाम नहीं है। कपड़ा पहने हो या नहीं? कपड़ा तुम पहने हो या नहीं? कैसे मर गए थे ये भी नहीं पता है। इसके पति को क्या तकलीफ देते हो? इसको क्या तकलीफ देते हो तुम? कुछ नहीं, दूर रहने के लिए इसको कर दिए हो एकदम। तुम इसको बीवी बना के रखे हो। अब हम तुमको आज मुक्ति मिलेगी, ऊपर जाओगे तो नहीं जाना है। तुम ना चिल्ला रहे हो, मेरा काम ऊपर भेजना। पूरे घर भर को आप लाए सरदार जी, कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? नेट में देखा, फिर आपको पता चला। पूरा घर भर को चेक कराया, सब परेशान है भूत प्रेत से। तो भूतों से आपको क्या तकलीफ हुई, क्या दिक्कत हुआ? सब परेशानी परेशान। चलो अभी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं, हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा। फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यही आने से होगी? क्या बेकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये मतलब हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं, फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन, ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस। मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूं? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूं? एकदम शूट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उसपे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए, वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई, यहाँ की, हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।